हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। स्वागत है दोस्तों अपना टीचिंग चैनल में। और दोस्तों मेरा नाम राहुल, जो आप सभी को पता है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। तो आप सभी को पता है पासे से एक दो क्वेश्चन हर कंपटीशन देखने को मिल जाता है। पहले क्वेश्चन आते थे इजी, अब थोड़ा टफ आने लग गया, कॉन्सेप्ट के आधार पर आने लग गया। तो इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, और इससे कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए होगा कि ये वीडियो पूरा देखना, आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बताया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो पासे की बात कर लेते हैं, पासे कितने प्रकार के बताए थे मैंने। साधारण तौर पर 2 पासे होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा, जिनकी हम पहले मैंने बात कर चुका हूँ। अब उन पासे को खोला जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं खुला पासे का, ठीक है। तीसरा पासे उसी के अंदर इंक्लूड है खुला पासा, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खुले पासे किस प्रकार इसको सोल्व करना है। जैसे खुला पासा, इसमें किस प्रकार सोल्व करना है। खुले पासे में उसी क्रम में एक छोड़कर अगली फलक उसके विपरीत होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि ये पासा आपके पास खुला है, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया है कि ऊपर का विपरीत क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ऊपर के विपरीत क्या होगा, तो आपको एक छोड़ करके अगली फलक उसके विपरीत हो जाएगी। जैसे अगली फलक एक छोड़ कर, कैसे इस वाले को ये छोड़ करके अगली फलक उसके विपरीत हो गई उसी क्रम में, ठीक है, ये इसके विपरीत हो गई। अब इसकी बात करें दाएं के विपरीत क्या होगा, तो ऊपर वाले के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला हो जाएगा। अब दाएं की बात करें तो दाएं का विपरीत क्या होगा, दाएं वाले का ये वाला बायां हो जाएगा, ये वाले फलक छोड़ करके अगली फलक उसके विपरीत हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर ले सामने वाले के विपरीत क्या होगा, तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, पीछे वाला, ठीक है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ आपको ऊपर नीचे ना देख करके यहाँ संख्या भी दे सकता है, कुछ चिन्ह दे सकता है, ABCD दे सकता है, कुछ नाम दे सकता है, कोई भी कुछ भी दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। एक छोड़कर अगला फलक जो होगा वो उसके विपरीत होगा। जैसे कि ऊपर का पूछ लिया जाए तो नीचे उसका विपरीत हो जाएगा, या नीचे का पूछ लिया जाए तो ऊपर वाला हो जाएगा, दाएं का पूछ लिया जाए तो बायां हो जाएगा, बायां का पूछ लिया जाए तो दायां हो जाएगा, पीछे का पूछ लिया जाए सामने हो जाएगा, सामने का पूछ लिया जाए तो पीछे हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से भी पासा दे सकता है, इस तरीके से पासा देख करके आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि इसको खोलने पर किस प्रकार पासा बनेगा। तो जैसे कि आपने आपको पता है कि जो भी हमें एक साथ फलके दिखाई गई होगी वो उसके विपरीत नहीं हो सकती, जो हमें फलके दिखाई गई है वो उसके विपरीत नहीं हो सकती। तो ऊपर वाले के सामने वाला कभी विपरीत नहीं हो सकता, तो ऊपर वाले के सामने वाला विपरीत था, नहीं था ना, ऊपर वाले के विपरीत कौन सा था, नीचे वाला था। या इस तरीके से देख सकते हैं, ऊपर वाले के दाएं विपरीत नहीं हो सकता, तो ऊपर वाले के तो विपरीत कौन सा था, नीचे वाला, तो दाएं का इसका आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये आपको जो फलके दिखाई गई है वो पसरे में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। या हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये अपना टच पॉइंट है, या कह सकता हूँ जोड़ पॉइंट है, ठीक है। तो जस्ट इसके जो इसके टच में रहेगा उसके विपरीत नहीं होता है। जैसे कि यहाँ आपको दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसके टच में कौन सा दायां है, तो दायां इसके विपरीत नहीं होगा, इसके विपरीत कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है। इस प्रकार से अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार भी आपको देखने में मिलता है। निम्नलिखित प्रसारित रूप में कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। प्रसारित रूप में मतलब कहने का मतलब ये आपके पास प्रसारित रूप है पासे का, ठीक है, खुला पासा है ये। अब खुले पासे से आपको बंद करवाया गया है, क्या करवाया गया, बंद करवाया गया, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसको देख करके आपको इसमें पहचानना है कि उस ये खुले पासे से कौन सा पासे ही बन सकता है, ठीक है। अब खुले पासे से कौन सा पासा बन सकते हैं, किस प्रकार हम पहचानेंगे। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दोनों तीन वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें एक मुख्य पॉइंट यही होता है कि विपरीत फलक को एक साथ हम नहीं देख सकते, विपरीत फलक को एक साथ हम नहीं देख सकते, ठीक है। जो हमें फलके दिखाई गई होगी विपरीत फलक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ इसकी, इसका विपरीत क्या होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक छोड़कर अगला, इसको ये छोड़ करके अगला, अगला कौन सा हो जाएगा, ये, तो स्टार के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आर, ठीक है। इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, इस वाले को छोड़कर अगला, ठीक है। एक के विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, पी, नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं हैज के विपरीत क्या हो जाएगा, हैज के विपरीत इसको छोड़कर के अगला, हैज के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 2,
तो जहां स्टार आ रहा है वहां आर नहीं आना चाहिए, जहां एक आ रहा है वहां एक साथ पी नहीं आना चाहिए, जहां आया जा रहा है वहां दो नहीं आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं हम, स्टार स्टार के साथ क्या नहीं आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इसके विपरीत है। तो विपरीत है तो ये इसके विपरीत आ रहा है, एक साथ दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने बताया तो विपरीत फलकों को हम एक साथ नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये भी ये पासा इससे नहीं बन सकता क्योंकि स्टार का विपरीत क्या है, आर है। तो स्टार जो ऊपर है इसके नीचे वाला हिस्सा होगा ना वो होना चाहिए था आर, जो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये आपसे ये नहीं बन सकता, ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं बी की, यहाँ एक नजर आ रहा है तो एक के विपरीत क्या है, पी है। एक के विपरीत पी है तो एक के विपरीत पी हमें एक साथ दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अगले की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको हैज दिखाई दे रहा है, हैज के साथ क्या नहीं आना चाहिए दोस्तों, दो नहीं आना चाहिए क्योंकि हैज के विपरीत क्या है, दो है। तो हैज के विपरीत दो यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया। अगले की बात कर लेते हैं, यहाँ आर, आर के विपरीत क्या नहीं आना चाहिए दोस्तों, आर के विपरीत स्टार नहीं आना चाहिए, यहाँ स्टार आपको नजर नहीं आ रहा तो ठीक है। अब यहाँ एक बच रहा है, एक को देख लेते हैं, एक के विपरीत क्या नहीं आना चाहिए, पी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पी नजर नहीं आ रहा तो ये भी ठीक है। यहाँ यहाँ और क्या आ रहा है, हैज है, हैज के विपरीत क्या नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, यहाँ दो नहीं है, तो इस वजह से ये अपना पासा सही है। तो इस प्रसारित रूप से कौन सा पासा बन सकता है, ये वाला पासा अपना बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इससे कौन सा पासा बन सकता है। तो आपको मुख्य बात मेन बात ये याद रखनी है कि विपरीत फलक हम एक साथ नहीं देख सकते। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको जैसे कि ये एक नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है तो एक के नीचे वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ आपको दो नजर आ रहा है, दो के पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो विपरीत फलक हम एक साथ नहीं देख सकते, इस वजह से हम इसको अलग कर सकते हैं और ये वाला अपना सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है और ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एसएससी सीजन के अंदर, हर क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे राजस्थान पुलिस की बात करो, रेलवे की बात करो, एसएससी की बात करो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जिस इस प्रकार दे दिया जाता है आपको, बंद पासा दे दिया जाता है पहले तो, और उसके बाद में आपसे बोला जाता है कि इसको खोलने पर प्रसारित रूप कौन सा होगा, किस प्रकार ये दिखाई देगा। तो आपको प्रसारित रूप इस प्रकार दिखाई देता है, तो आपको पता होना चाहिए विपरीत फलक हम एक साथ नहीं देख सकते और विपरीत फलक किस प्रकार निकालते हैं। तो पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसके विपरीत फलक निकालेंगे। तो यहाँ तीन और दो है, तीन और दो, यहाँ और इसकी कंपेयर करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी आपको दो फलक मिल जाए और बची हुई फलक उसके विपरीत हो जाती है, दो फलक सेम मिल जाए तो बची हुई फलक उसके विपरीत हो जाती है। तो यहाँ तीन और दो है, यहाँ तीन और दो है, तो बची क्या, यहाँ पांच बचा, यहाँ चार बचा, तो पांच के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच के विपरीत हो जाएगा अपना चार, पांच के विपरीत हो जाएगा दोस्तों अपना चार। ठीक है, और यहाँ जैसे कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अब यहाँ तीन और पांच मिल रहा है, यहाँ तीन और पांच मिल रहा है, तीन और पांच बची क्या, एक और दो बची, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि एक से लेकर के अधिकांश, एक से लेकर के छह संख्या लिखी होती है। अब यहाँ कौन कौन सा बच गया, एक तीन बच गया, तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, छह हो जाएगा, बचा हुआ छह। ठीक है, क्वेश्चन में दे भी रखा था और आ भी सकता है आपके पास, इस प्रकार लिखा सकता है कि एक से छह तक अंक लिखे गए हैं या दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर इसको प्रसारित रूप करने पर किस प्रकार आपको पासा दिखाई देगा। अब आपको पता है कि यहाँ पांच का विपरीत चार हो गया, एक का विपरीत दो हो गया, तीन का विपरीत छह हो गया, या इस प्रकार बोल सकते हैं, छह का विपरीत तीन हो गया, दो का विपरीत एक हो गया और चार का विपरीत पांच हो गया। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पहले पासे की, पहले पासे को चेक करते हैं, तो यहाँ पांच का विपरीत क्या आना चाहिए दोस्तों, चार आना चाहिए क्योंकि अगला छोड़कर, एक छोड़कर अगला उसके विपरीत होता है, तो पांच का विपरीत चार आना चाहिए, पांच का विपरीत चार है, चलो यहाँ तक ठीक है। अगला क्या है, यहाँ तीन है, तीन का विपरीत क्या आना चाहिए दोस्तों, एक आना चाहिए, तीन का विपरीत एक, यहाँ देखते हैं तो तीन का विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, छह आ रहा है, यहाँ देखते हैं तो तीन का विपरीत छह आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, तीन का विपरीत एक आ रहा है, तो ये अपना गलत हो गया। अगले की बात कर लेते हैं, अगला अपना ये है, छह का विपरीत तीन आ रहा है, यहाँ छह का विपरीत तीन ठीक है, यहाँ फिर यहाँ बात कर लेते हैं, चार का विपरीत एक है, तो यहाँ देखते हैं चार का विपरीत कितना है, पांच है, तो यहाँ क्या क्या होना चाहिए था, पांच होना चाहिए, यहाँ है एक, तो
इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। अगले की बात कर लेते हैं, यहाँ चार का विपरीत क्या आना चाहिए, पांच आना चाहिए, चार का विपरीत पांच, ठीक है भाई। अगले की बात कर लेते हैं, एक का विपरीत दो आना चाहिए, एक का विपरीत दो है, यहाँ तीन का विपरीत छह आना चाहिए, तीन का विपरीत छह। तो अपना कौन सा प्रसारित रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी भी चेक कर लेते हैं एक बार, चार का विपरीत क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, यहाँ क्या है, एक का विपरीत दो है, ठीक है, इस वजह से ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है, बंद देख करके खुला करवा सकता है, खुला पासा देख करके बंद करवा सकता है, ठीक है, या आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, जैसे किसी पूछ रहे जाते हैं कि पांच का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पांच का विपरीत चार हो जाएगा, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन का विपरीत क्या होगा, छह हो जाएगा, ठीक है। यह आपसे इस प्रकार जैसे कि एक ही पासा दे दिया और आपसे पूछ लिया है कि चार का विपरीत क्या होगा, तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर अगला, चार का विपरीत पांच हो जाएगा, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है, ये क्वेश्चन सीजन लेवल का है, वैसे आपके एसएससी में, राजस्थान पटवारी में या पुलिस में किसी में पूछ सकता है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी में पूछ ले मना तो कर नहीं सकते कि इसको सोल्व नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जैसे क्वेश्चन आ जाता है और इसको बोला जाता है कि ये आपके पास खुला पासा है और अगर इसको बंद कर दिया जाए या फोल्ड कर दिया जाए तो किस प्रकार आपको पासा दिखाई देगा, ये चार आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। दोस्तों आपको पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज उसको लाइक कर देना, ठीक है, और ज्यादा शेयर करना। शेयर करने से फायदा ये होगा, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा, उतना बढ़िया कंटेंट के साथ वीडियो लेके आऊंगा और उतनी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा। रीजनिंग में आपसे वादा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टीचर बना के छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये छोड़ करके अगला हो जाएगा, तो बी को आर छोड़ा एक्स हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि बी और एक्स एक साथ नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हो गए और विपरीत फलक कभी भी आपको एक साथ नजर नहीं आती है। और एक का विपरीत क्या हो जाएगा, आर को छोड़कर के अगला हो जाएगा, एक को छोड़कर अगला होता है, एक का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों जेड, ए और जेड एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। और आर का विपरीत क्या हो जाएगा, इसको भी छोड़ेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को, जो बाकी के भार वाले बचे वो आर का विपरीत हो जाएगा। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो जिसके विपरीत होता है वो अंक या अक्षर आप एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। जैसे बी और एक्स की बात करूं तो बी और एक्स आपको एक साथ नजर आ रहा है तो वो अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन की बात करूं, यहाँ बी और एक्स एक साथ नजर आ रहा है तो इस वजह से ही गलत हो गया क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर बी यहाँ है तो एक्स कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। एक्स यहाँ है तो एक्स कहाँ आना चाहिए, बी कहाँ आना चाहिए था, इसके इधर आना चाहिए था। इस प्रकार तो यहाँ एक के विपरीत जेड है तो ए और जेड एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। बी और एक्स और में देखते हैं, बी और एक्स एक साथ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ए और जेड एक साथ नजर नहीं आना चाहिए, ए और जेड एक साथ नजर नहीं आ रहा। आर के साथ ही गिनती नजर नहीं आनी चाहिए, यहाँ आर और गिनती एक साथ नजर नहीं आ रही। तो अब आपने पास बचे तीन ऑप्शन और तीन ऑप्शन को आप किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो एक प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ आप देखते हो कि किस दिशा में, एक दो तीन चार, ठीक, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, घड़ी की दिशा में क्रमांक चल रहे हैं, एक दो तीन चार। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, एक दो तीन चार। अब इसमें क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको टिक करके आ जाते हैं, जो कि ये एकदम गलत है। एक दो तीन चार इसी क्रम में नहीं घूमेगा, जब भी आप इसको पास से वो बंद करते हो तो जो अपनी इस घड़ी की दिशा में घूम रहा था ये नंबर, ठीक है, ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो ये अपने ये गलत हो गया। अब इस दिशा से कौन कौन से घूम रहा है, एक तो ये घूम रहा है, ठीक है, इस दिशा से एक ये घूम रहा है, एक दो तीन चार, घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम रहा है, एक दूसरे ये घूम रहा है, एक दो तीन चार। अब इसको रोंग इस प्रकार करेंगे, इसको रोंग इस प्रकार करेंगे, हमने देखा यहाँ क्या है, यहाँ इस प्रकार खाने बने हुए हैं, तो खाना बना हुआ है तो ये क्रॉस वाला नहीं आ सकता, क्रॉस का नहीं बन सकता, तो इस वजह से कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल से समझना, पहले आप एक तरीके से यहाँ देख लो कि जब भी आपको इस प्रकार खाना दिया जाए तो इस प्रकार नहीं बनेगा, ये इस प्रकार किस प्रकार बनता अगर आपको इस प्रकार दे दिया जाता, जैसे कि इसके इस प्रकार दे दिया जाता, इस प्रकार यहाँ जैसे दो,
इस प्रकार दिया जाता है तीन, ये मिलकर के इस प्रकार का रूप लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ये इस प्रकार का खाना है, तो इस प्रकार से ये अपना गलत हो गया। बच्चा कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल देख लो दोस्तों। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेम उसकी तरीके के पास है, ठीक है। यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार, उसमें भी ऐसे ही ऊपर यहाँ बी है, फिर आर है, फिर एक्स है, उसमें भी इसी प्रकार है, यहाँ ए और जेड है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। अब इसको फोल्ड क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट फोल्ड किस प्रकार करते हैं, इसको आगे की तरफ फोल्ड करते हैं। जैसे कि इसको आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई क्रमांक नजर नहीं आएगा। तो कोई भी क्रमांक नजर नहीं आया तो क्या कर आप उसको बता पाओगे कि कौन सा पासा किधर है, कौन सा पासा किधर है, तो नहीं पहचान सकते। तो इस वजह से इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये है, इसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद अब आपको ऊपर क्या नजर आ रहा है, टॉप पे बी नजर आ रहा है, यहाँ जेड आ रहा है और यहाँ क्रमांक नजर आ रहा है। तो आपको अब नजर आ रहा होगा, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ आपको बी नजर आ रहा होगा टॉप पे, यहाँ आपको जेड नजर आ रहा होगा और यहाँ आपको ये नंबर नजर आ रहे होंगे। तो ये सेम उसके तरीके से है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, एक दो तीन चार किस दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, जबकि हमें ट्यूशन में किस दिशा में मिले थे, घड़ी की दिशा में, एक दो तीन चार घड़ी की दिशा में मिले थे ना, घड़ी इस तरीके से चलती है। और आंसर किस प्रकार होगा, जब इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये विपरीत दिशा हो जाता है, तो विपरीत दिशा में हो जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देख लो, जैसे कि सेम आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ आपको जैसे कि तीन उल्टा नजर आ रहा है, तो ये उल्टा नजर इस प्रकार आता है क्योंकि जब इसको फोल्ड करते हैं तो उल्टा सा नजर आता है, बट आपको एग्जाम में इस तरीके से दिया जाएगा, आराम से इसको पहचान सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसको जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको जिस दिशा में दिया गया हो उसको आप फोल्ड करता तो विपरीत दिशा में हो जाता है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया, अब आप इसको 2 से 4 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है बी के साथ एक्स नहीं आएगा, बी के साथ एक्स नहीं आएगा, यहाँ आपने पहचान लिया। अब इसमें देखा आपको ये क्रॉस वाला नजर आया, यहाँ आपको पता है यहाँ क्या है, यहाँ इस प्रकार ब्रैकेट का निशान है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ आपने देखा एक दो तीन चार ही घड़ी की दिशा में चल रहा है और ये भी घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो सेम तो हो नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बच्चा क्या बी अपना आंसर हो जाएगा, इस प्रकार आराम से पहचान सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट द्वारा खुद बता, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है, इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है। यहाँ 1 2 5 है, यहाँ 4 1 2 है और यहाँ आपके पास ऑप्शन है 4 1 5 2, ठीक है। और विपरीत बताना है आपको, 5 के विपरीत क्या होगा, इसका आंसर आपको कॉमर्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से शेयर करना। शेयर करने से फ़ायदा ही होगा, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा, उतना बढ़िया कंटेंट के साथ वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और दोस्तों कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसे भी लगी हो, अच्छी नहीं लगी तो किस वजह से अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी हो तो बताना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।